हेलो, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि 13 जून को शाम को यानी रात में आपका रिजल्ट, नीट 2023 का रिजल्ट अनाउंस किया गया। और जैसे ही रिजल्ट अनाउंस किया गया, आप लोगों ने अपने नंबर देखे और कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया कि सर कट ऑफ कितनी है, 2023 नीट की कट ऑफ कितनी गई है, कितने नंबर पे हमको मानना चाहिए कि हमें मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, कितने सेफेस्ट नंबर हैं कैटेगरी वाइज बताइए। तो ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, एकदम पूरे डिटेल में सारी चीजें आपको बताऊंगा कि कितने नंबर पर आपको एमबीबीएस कॉलेज मिल जाएगा और क्या कट ऑफ इस बार हाई गई है और कितनी रैंक तक पिछले साल कॉलेज मिल गए थे और क्या उसके कंपैरिजन में इस बार भी वैसा होगा या उससे कम नंबर होंगे तो भी मिल जाएगा या ज्यादा नंबर होने पर ही कॉलेज आपको अलॉट किया जाएगा। तो अब वो सारी चीजें हम लोग एक एक करके देखते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नीट और आईआईटी जेईई और कंपिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी जरूरी इंफॉर्मेशन है वो आपको सबसे पहले अगर कहीं मिलती है तो वो है स्टडी पॉइंट चैनल। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो कैसा लगा। तो अब हम चलते हैं, सबसे पहले ये पता कर लेते हैं, ये जान लेते हैं कि हाईएस्ट स्कोर क्या रहा इस बार का नीट 2023 का। जो हाईएस्ट स्कोर रहा वो क्या रहा, तो जो हाईएस्ट स्कोर है नीट 2023 का, इसमें दो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 720 आउट ऑफ 720 आए हैं। ये बात आपको पता चल गई होगी, 720 आउट ऑफ 720। एक बच्चा ऐसा है जिसके 716 हैं, 716 मार्क्स हैं, और लगभग 16 बच्चे ऐसे हैं जिनके 715 नंबर हैं। 16 बच्चे ऐसे हैं जिनके 715 नंबर आए हैं और 10 बच्चे ऐसे हैं जिनके 710 नंबर आए हैं। तो आपका वो अंदाजा यहीं से लग गया होगा कि इस बार की कट ऑफ हाई जाने वाली है, ठीक है। हालांकि नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हुई हैं, उसके बाद भी कट ऑफ नहीं गिरेगी, कट ऑफ हाई ही रहेगी। पिछले 2 सालों से कट ऑफ लगभग एक जैसी रहने वाली रह रही थी, लेकिन इस साल कट ऑफ चेंज होगी, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। अब देखिए, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, अगर आप देखें 2022 और 2023 में, 2022 और 2023 की अगर मैं बात करूं तो नीट 2022 में 700 नंबर जिस बच्चे के थे उसकी रैंक 50 थी, यानी 50 रैंक वाले की 700 नंबर थे। लेकिन अगर 2023 में चले तो जिस बच्चे के 700 नंबर हैं उसकी रैंक 320 है, यानी 320 रैंक है। और अगर आप 2022 में चलें और नंबर हैं 596, तो रैंक आई थी 22,000। और जबकि अगर हम इधर चलें 596, 2023 में जिस बच्चे के नंबर हैं उसकी 31,000 रैंक है। तो आप देखिए, लगभग 9,000 से 10,000 रैंक के बीच का डिफरेंस है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर जो रैंकिंग में भी आपको दिख रहा है कि कितना बड़ा डिफरेंस यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि नीट 2023 2022 में क्लोजिंग नंबर्स कितने थे, मतलब कहाँ पर आप जो कॉलेज था, ये एक्चुअली मॉपअप राउंड तक, बिल्कुल लास्ट राउंड जो होता है ना मॉपअप राउंड, वहां तक हमने एनालाइज किया था। और वहां पर जितने नंबर ऑफ सीट्स पर क्लोज हुआ था, जितने नंबर ऑफ रैंक्स पर कॉलेज क्लोज हुआ था, वो चीजें आपके सामने हैं। जो जर्नल कैटेगरी थी नीट 2022 में, जर्नल कैटेगरी में 22,237, 22,237 रैंक पर उनको कॉलेज मिल गया था, जनरल कैटेगरी वालों को। और ईडब्ल्यूएस अगर हैं तो 23,166, 23,166 रैंक हैं ये सब, रैंक पर कॉलेज मिल गया था उनको। और 23,011
मार्क्स, अगर ओबीसी कैटेगरी का बच्चा है तो उसको इतनी रैंक तक कॉलेज मिला था पिछली बार, और एससी और एसटी के लिए, ठीक है, एससी वालों को 119,000 तक और एसटी वालों को 150,000 तक कॉलेज मिला था। तो इसके अकॉर्डिंग इस बार की अगर रैंक की बात करें, नीट 2023 की अगर रैंक की बात करें, तो जनरल कैटेगरी वालों को मेरे अकॉर्डिंग 23,000 अगर रैंक है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हुई हैं, इस वजह से अगर जनरल कैटेगरी है तो लगभग 23,000 रैंक तक उन्हें कॉलेज मिलना चाहिए। और अगर ईडब्ल्यूएस, अगर ईडब्ल्यूएस हैं तो ईडब्ल्यूएस के लिए लगभग 23,500, अगर 23,500 रैंक तक आपको कॉलेज अलॉट हो जाना चाहिए। और अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 23,300 के अप्रॉक्सीमेटली, लगभग 23,300-23,500 इस तरीके से ओबीसी वालों को भी सीट्स यानी रैंक इतनी तक मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाना चाहिए। एससी एसटी की अगर बात करें तो लगभग 1,22,000 एससी के लिए और 1,60,000 एसटी के लिए। ये मैंने पूरा डाटा नोट करके रखा हुआ है, वहीं से मैं आपको बता रहा हूँ। 23,000 जनरल के लिए, 23,500 ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी के लिए, गलत लिखा है, ओबीएस नहीं होती है, ओबीसी कैटेगरी होती है, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी के लिए 23,011 सीट, ठीक है। और यहाँ पर आपको बता दिया एससी के लिए लगभग 1,22,000 तक कॉलेज मिल सकता है और एसटी के लिए 1,60,000 तक कॉलेज अलॉट हो सकता है, ठीक है। अब आपको बता देते हैं कि सेफेस्ट स्कोर, ये बहुत जरूरी है, सेफेस्ट स्कोर। तो ये सेफेस्ट स्कोर बताना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा कि अब आपको काउंसलिंग का इंतजार करना है या आपको तैयारी शुरू कर देनी है नीट 2024 की। और अगर आपके नंबर 100 के बन रहे हैं, देखिए इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है कि 100 नंबर आ रहे हैं, 200 नंबर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है आपका बैकग्राउंड 12th क्लास में वैसा ना रहा हो, इस वजह से आपको नंबर इतने आए हों, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगर आपके 200 नंबर आए हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, कभी सिलेक्शन ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है, सिलेक्शन होगा और सब कुछ होगा, बस थोड़ी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, थोड़ी ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर मिलेंगी। तो अगर आपके 100 नंबर, 200 नंबर, 300 नंबर या 500, 400 या 550 नंबर तक अगर हैं तो आपको दोबारा से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए बिना किसी का भी इंतजार किए कि काउंसलिंग सर करवा लें या लास्ट तक जाएंगे देख लेते हैं। तो वो सारी चीज़ें मेरे हिसाब से कोई बेनिफिट आपको नहीं देने वाली। हाँ, ये जो चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ ये सेंट्रल यानी ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए, और अगर जब स्टेट काउंसलिंग होगी तो इसमें थोड़े बहुत नंबर अगर कम भी होंगे तब भी आपको सीट अलॉट हो जाएगी स्टेट काउंसलिंग जब होगी तब। अभी मैं फिलहाल जो भी बता रहा हूँ वो ऑल इंडिया काउंसलिंग के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है। तो सेफेस्ट स्कोर अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो 605 से 610 नंबर हम कह सकते हैं कि ये सेफेस्ट स्कोर है, ठीक है, ये सेफेस्ट स्कोर है जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आपके इसके बीच में है तो आप काउंसलिंग का इंतजार करिए और साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ना भी शुरू कर दीजिए, ताकि अगर इन केस आपको कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है तो आपके ये जो 3-4 महीने होंगे बीच के ये खराब ना। ईडब्ल्यूएस के लिए 600 नंबर आपके लिए एक सेफेस्ट स्कोर है 2023 के लिए। ई और जो ओबीसी कैटेगरी है उनके लिए 600 से 605 नंबर ये आपके लिए सेफेस्ट स्कोर है। एससी और एसटी के लिए अगर हम बात करें तो एससी कैटेगरी के लिए 460 से 480 तक ये आपके लिए सेफेस्ट स्कोर है, और एसटी कैटेगरी की अगर बात करूं तो ये आपके लिए लगभग 440 से 450 ये आपके लिए सेफेस्ट स्कोर है नीट 2023 के लिए, ठीक है। तो एक बार फिर से आपको बता दें, जनरल कैटेगरी के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप लगभग 605-610 के बीच में अगर हैं तो आप अपने आप को सेफेस्ट जोन में कह सकते हैं। और ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस 600, ओबीसी 600 से 605, एससी कैटेगरी के लिए 650 और से 480 के बीच, और एसटी के लिए 440 से 450 के बीच
अगर नंबर हैं तो अपने आप को सेफेस्ट जोन में मानते हुए साथ साथ पढ़ना भी थोड़ा थोड़ा शुरू करिए, क्योंकि कट ऑफ लगभग इसी के अराउंड रहेगी। ठीक है ना? जनरल कैटेगरी 610, ईडब्ल्यूएस 600, ओबीसी 605, एससी कैटेगरी 480, एसटी के लिए 450। लगभग लगभग इतने ही नंबर पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होंगे, और जिनके भी नंबर इनसे कम हैं वो बिना कोई भी कंफ्यूजन के नीट 2024 की तैयारी शुरू कर दें। ठीक है? और आपको इसी चैनल पर केमिस्ट्री के लेक्चर्स एकदम फ्री में मिलते हैं, और आज अभी कुछ ही देर में आपको आइसोमेरिज्म पढ़ाया जा रहा है। आइसोमेरिज्म का सेकेंड लेक्चर आपको यहाँ पर चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, उसे जाकर के जरूर देखें। ठीक है? तो केमिस्ट्री की प्रिपरेशन आपको इसी चैनल पर मिलेगी, बायो और फिजिक्स की प्रिपरेशन भी आप लोग फटाफट से शुरू करिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, एनसीईआरटी को जितनी बार पढ़ सकते हैं उतनी बार पढ़िए। हालांकि इस पर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि आपको नीट 2024 में क्या स्ट्रेटजीज करनी चाहिए, कैसे आपको सिलेक्शन मिलेगा, क्या क्या चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए और क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी चाहिए, कैसे आपका टाइम टेबल होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको एक प्रॉपर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको ये समझ आएगा कि आपको क्या क्या चीजें करनी है और कैसे आपको सिलेक्शन मिलेगा। तो आज के इस वीडियो से आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये जो कंफ्यूजन की स्थिति में थे आप लोग कि कितने नंबर तक कॉलेज मिल जाएगा, कितने रैंक होगी, कितना पिछले साल गया था, ये सारी चीजें आई होप आपको इस वीडियो में एकदम क्लियर हो गया होगा। कोई भी कंफ्यूजन अगर अभी भी आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए उस चीज को, और वहीं पर कमेंट बॉक्स में आपको मैं उन सब चीजों का, जितनी भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में हैं उन सबको मैं वहीं पर क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है? तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।